हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। कई शादी की रस्मों के दौरान फेरों की रस्म बहुत महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पर हिंदू रीति रिवाज से शादी करने पर दुल्हा दुल्हन साथ में सात फेरे लेते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में हुई शादी में तब हंगामा मच गया जब दुल्हन चौथे फेरे के बाद वापस नहीं आए। दुल्हा और उसके परिवार वाले बहुत देर तक दुल्हन का इंतजार करते रहे, लेकिन फिर उन्हें जो सच्चाई पता चली उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर गोमी के रहने वाले देवेंद्र ने 1 लाख रुपए देकर अपनी शादी की युक्ति से तय की थी। ये रिश्ता उसके एक मोदी नगर के रहने वाले परिचित प्रदीप नाम के शख्स ने कराया था। प्रदीप यूं शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। उसने कहा था कि एक फैमिली है जो अपनी बेटी की शादी कराना चाहती है, हालांकि शादी के बदले वे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। प्रदीप की बात सुन देवेंद्र ने शादी के लिए हामी भर दी। उसके बाद व्हाट्सएप पर युवती का फोटो भी आया। फोटो देख उसे लड़की पहली नजर में ही हाँ बोल दिया था। शादी प्रतापपुर के भोड़बाल गांव में होना तय हुई। बीते रविवार दोपहर देवेंद्र उसके चार परिवार वाले शादी के लिए भोड़बराल गांव में एक मंदिर में जा पहुंचे। मोहद्दीनपुर बाग के पास ही इस मंदिर में शादी की रस्में शुरू हुई। लड़की पक्ष की ओर से 3 लोग थे। देवेंद्र ने अपने जेवरात लड़की को पहना दिए। इसके बाद 4 फेरे हुए। लड़की वालों ने वर पक्ष से पहले से ही तय रकम यानी कि 1 लाख रुपए मांग लिए। इसके बाद लड़की बाथरूम जाने का बहाना बनाकर कहीं चली गई। बहुत देर हो गई। जब दुल्हन नहीं लौटी तो उसके कथित मौसी और एक अन्य व्यक्ति उसे ढूंढने के बहाने से निकल लिए। इतना ही नहीं, शादी कराने वाला पंडित भी सभी को खोज कर लाने के बहाने से वहां से रफू चक्कर हो गया। अब वर पक्ष के सभी जेवरात और 1 लाख रुपए की रकम लड़की वालों के पास थी, लेकिन दुल्हन के वापस आने का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत देर इंतजार करने के बाद दुल्हे के दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ ये धोखाधड़ी का मामला है। ऐसे में दुल्हा और उसके परिवार वाले प्रतापपुर के पुलिस थाने पहुंचे और तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को दुल्हन की फोटो भी दिखाई। इंस्पेक्टर प्रतापपुर नजीर खान ने बताया है कि दुल्हा पक्ष की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर के आधार पर जाँच की जा रही है। छानबीन के बाद ही पुलिस जल्द ही आरोपियों को खोज लेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।